नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में यहां पर मैं बात करूंगा आप सभी से बिटकॉइन के बारे में, यहां पर बायबिट की ऐप के बारे में, ओकेएक्स के बारे में और ऑल्टकॉइन के बारे में। इसके अलावा यहां पर सीधे चलते हैं एक डिस्क्लेमर के साथ में। क्रिप्टो करेंसी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इसके अंदर प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, हमेशा खुद की रिसर्च जरूर करें। सीधे यहां पर आ चुके हैं सबसे पहली चीज पे। तो यहां पर आप देख रहे हो गए रेड टी शर्ट जरूर पहन रखी है मैंने, मैं बेयरिश नहीं हूं बट रेगुलेशन वाइज जरूर बेयरिश हूं इंडिया के लिए, क्योंकि मार्केट के अंदर एक तरफ मैं यहां पर देख रहा हूं भाई, एक गवर्नमेंट यहां पर अपना जो ईपीएफ सिस्टम है उसमें से कुछ अमाउंट यहां पर बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहती है। कतर यहां पर बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर रहा है बिटकॉइन के अंदर। यहां पर माइक्रो स्ट्रेटजी जैसी कंपनी, यहां पर ब्लैक रॉक जैसी कंपनी, बड़े बड़े मार्केट फंड, इनफैक्ट अब तो सेबी के चेयरमैन ने भी कह दिया है कि भैया लोग ब्लॉकचेन की तरफ जाएंगे, क्रिप्टो की तरफ जाएंगे, क्योंकि वहां एडॉप्शन हो रहा है, वहां एक टेक्नोलॉजी है और वहां पर ट्रांसपेरेंसी है। बैक टू बैक सब कुछ पॉजिटिव नजर आ रहा है। इंडियन स्टॉक मार्केट से लोग फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, वो क्रिप्टो की तरफ आ रहे हैं। जो हमारा स्मार्ट व्यू एआई का डेटा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पिछले लगभग एक महीने के अंदर बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट से आए हैं जो कि बहुत बेसिक बेसिक क्वेरी कर रहे हैं, तो जिससे पता चलता है कि स्टॉक मार्केट के जो यूजर हैं, जो ट्रेडर हैं, वो भी क्रिप्टो की तरफ जागरूक हो रहे हैं और उनको भी लगता है कि भाई यहाँ ट्रांसपेरेंसी है। लेकिन यहाँ पर जो गवर्नमेंट चाहती है कि भाई लोग यहाँ पर अगर क्रिप्टो की तरफ जाने लग गए, स्टॉक मार्केट क्रैश होने लग गया तो मामला हो जाएगा खराब। ओकेएक्स ने अपने सारे ऑपरेशन सीज कर दिए हैं इंडिया के लिए। इससे पहले कॉइनबेस एक्सचेंज था, वर्ल्ड का टॉप एक्सचेंज है, उसको भी इसी तरीके से एग्जिट करना पड़ा। अब बड़े दुख की बात है, ओकेएक्स यहां पर एग्जिट कर रहा है, लेकिन यहां पर बात रुकी नहीं। कल दोपहर में ये न्यूज आई, रात में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अरविंद केजरीवाल के केस से कोई लेना देना नहीं है, बट न्यूज में बता रहा हूं क्योंकि पॉलिटिक्स का भी अपडेट रहना चाहिए आप सभी के पास में। सुबह यहां पर देखा तो भैया ये न्यूज आ गई, ड्यू टू रेगुलेटरी, यहां पर जो रेगुलेशन, जो ये यहां पर एफआईयू का जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए यहां पर तो बहुत स्ट्रिक्ट है। इसी वजह से यहां पर कहेगी एप्पल ऐप स्टोर को रिमूव करना पड़ रहा है इनका बायबिट एक्सचेंज। अब आप सोचो कि प्ले स्टोर से और इन सब से जब ऐप ही हट जाएंगी तो इंटरनेशनल एक्सचेंज के यूआरएल बैन हो जाएंगे तो लोग कैसे यूज करेंगे? ना ही कोई वार्निंग का मतलब है, ना ही कोई वार्निंग देना। अब जिसका फंड पड़ा है पड़ा है, क्या फर्क पड़ता है गवर्नमेंट को, बस अपना काम करना। और ये जो शुरुआत करी है ना, सबसे बड़ी चीज आप देख रहे होंगे पूरे इकोसिस्टम में मैं किसी भी इंडियन एक्सचेंज को प्रमोट नहीं कर रहा। अभी क्यों नहीं कर रहा मैं? क्योंकि मुझे लगता है कि अगर इंडियन एक्सचेंज ये एप्लीकेशन नहीं देते तो शायद किसी इंटरनेशनल एक्सचेंज के साथ में ऐसा नहीं होता। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तो यहां पर बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर चलते हैं, लेकिन ये अगर आप चीज देखोगे जो मार्केट के अंदर चीज चल रही है, ये कई सारी कंट्रियों के साथ में हो चुकी है, लेकिन वहां के जो लोकल ग्रुप है, लोकल आप कहो कि प्राइवेट कम्युनिटीज है, सारा का सारा काम वो प्राइवेट कम्युनिटी अपने ग्रुप में कर रही है। जैसे मैं बात करूं यहां पर सिंगापुर के अंदर, हालांकि विड्रॉल में कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी क्या कि प्राइवेट कम्युनिटीज है। प्राइवेट कम्युनिटीज में क्या होता है, एक बायर भी होगा, कोई सेलर भी होगा, तो वो आपस में लेन देन करते हैं। ऐसे ही यहां पर अगर मैं देखूं, यहां पर यूक्रेन के अंदर, यहां पर रशिया के अंदर, यहां पर जापान के अंदर, इनके अंदर टोक्यो के अंदर, ये लोग क्या हैं वहां पर आप देखोगे, जैसे भी नेक्स्ट मंथ दुबई का इवेंट होने वाला है, टोकन 2049, बहुत बड़ा इवेंट है, 10,000 से ज्यादा लोग आ रहे हैं, ये कम्युनिटी मेंबर मिलते हैं। तो ये लोग बताते हैं कि भाई हमारा सारा P2P ग्रुप में ही होता है, प्राइवेट कम्युनिटीज है हमारी, ये प्राइवेट साइट्स है, क्योंकि जो जो पॉपुलर जितनी भी साइट होंगी वो सारी की सारी गवर्नमेंट उन पर एक्शन लेगी और सारी की सारी बैन होनी ही होनी है। जो P2P में TDS डिडक्ट नहीं कर रहा, पॉपुलर साइट है, गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेगी लेगी, वो आज नहीं कल, महीने भर में, दो महीने भर में सारे ये खत्म होने वाले जाएगी। एक टाइम अब ऐसा आने वाला है बहुत जल्दी कि smartvai.com लगभग हर ट्रेडर की नीड बन जाएगी, और हो सकता है जब हमारे पास में एक यूजर का फ्लो अच्छा होगा तो हम कुछ और भी स्टेप्स लेके और चीजों को स्ट्रॉन्ग करके और अच्छे लेवल के ऊपर बनाएंगे। बट यहां पर हमें कोई ना कोई जुगाड़ देखना है, आगे चलना है प्रॉपर गवर्नमेंट्स को के रूल्स को फॉलो करके। ऐसा नहीं कि यहां पर अब जो ऐप है डाउनलोड नहीं है तो जी खत्म कर दें इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट खत्म करने की जरूरत नहीं है। मार्केट के अंदर बिटकॉइन देखोगे 66,000 के आसपास पहुंच चुका है, लेकिन हम कहाँ 15 मिनट वेट कर रहे हैं वीडियो के अंदर, 5 मिनट वेस्ट कर रहे हैं एक सिर्फ ऐसी चीज के ऊपर जिसके ऊपर नहीं करना चाहिए। क्यों करना पड़ रहा है?
लास्ट ईयर ऑटो बाइंग बॉट, ऑटो सेलिंग बॉट पूरी टीम बना रही थी, पी टू पी स्कैम चलने लग गया। टीम ने 6-7 मंथ सिर्फ पी टू पी के ऊपर काम किया, और जब पी टू पी लेके आई क्या जरूरत थी, अगर ये सब कुछ चलता रहता कहीं जरूरत नहीं पड़ती। बट आप देखो ना, वीडियो के अंदर हर कोई ट्विटर के ऊपर बात कर रहा है इन सब चीजों की, और ये ऐसी चीजें हैं जिनका कोई मतलब नहीं बैठता बुल रन के अंदर। बेरिस मार्केट में यार जो भी करना है कर लो, ये तो पैसा कमाने का टाइम है, यहाँ पर कम से कम ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो रही हैं। और इसकी वजह से क्या कि बहुत लोग क्या कि नए यूजर स्केयर हो जाते हैं और वो सेल आउट करते हैं लॉस में। अभी यहाँ पर अगर आप बिटकॉइन देखोगे 66,000 चल रहा है, तो यहाँ पर मैंने ग्रुप में भी एनालिसिस शेयर किया है, जो 65 है बिटकॉइन अगर इसके ऊपर प्राइस होल्ड कर लेता है, जैसे अभी आप देखो कि कल यहाँ पर सैटरडे है, परसों यहाँ पर संडे है, वीकेंड के अंदर इंस्टीट्यूशन इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, यहाँ पर बिटकॉइन अभी तक होल्ड कर रहा है। अभी यहाँ पर आया भी था प्राइस 64 के आसपास आया, लेकिन बाउंस बैक ले लिया तुरंत। तो ये समझ लो कि जो ऑल्ट कॉइन है उनके अंदर अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिलेगा, कम से कम आप यहाँ पर 30-40% का मूव पॉजिटिव मूव मान के चल सकते हो अगर बिटकॉइन यहाँ पर अबव 65 रहता है। बट अगर एक भी वीक यहाँ पर डाउन की तरफ लग गई तो यहाँ पर जो हमारी मेजर सपोर्ट वही अगर अगेन 61 की तरफ है, और इससे क्या है कि पूरा जो ऑल्ट कॉइन है यहाँ से भी ऑल्ट कॉइन और 20% क्रैश हो जाएंगे। तो ये जो सपोर्ट एरिया है इसको यहाँ पर मॉनिटर करके रखो, मैंने भी एरो लगा रखे हैं, मैं भी इसको देख रहा हूँ, क्योंकि सारा कुछ ऑल्ट कॉइन का गेम इसी के ऊपर अभी डिपेंड है। तो इस एरिया को थोड़ा सा मॉनिटर करके रखो, काफ़ी कॉइन ने अच्छी रिकवरी करी है, अच्छे कॉइन बाउंस बैक हो रहे हैं, ऑल्ट अच्छे बम्प हो रहे हैं, लेकिन अगर बिटकॉइन यहाँ पर अगेन 65 को यहाँ पर ब्रेक कर देता है ऑल्ट कॉइन अगेन बेयरिस हो जाएंगे, जो मोमेंट अभी बना है वो सब भी यहाँ पर नेगेटिव माहौल में बदल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो ऑल्ट कॉइन के बारे में आने वाले टाइम के अंदर मेरा जो फोकस रहेगा, पूरी टीम का फोकस रहेगा, हम यहाँ पर रिस्की कॉइन्स के ऊपर भी फोकस करेंगे, उनमें 10-20-50 डॉलर से ज्यादा नहीं डालने। अगर आपका पोर्टफोलियो 1000 डॉलर का है तो मैक्स 50 डॉलर डालो। हम नए कॉइन्स को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि नए कॉइन्स को इग्नोर करने का मतलब है यहाँ पर कहीं ना कहीं हम एक अपॉर्चुनिटी भी मिस कर रहे हैं। मीम कॉइन सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर इतने सारे मीम कॉइन है, लेकिन मैंने बहुत ही कम सजेस्ट करे होंगे आपको। रीजन सिंपल है, क्योंकि उसके अंदर 1000x का भी पंप लग रहा है, उसमें ऐसा भी हो रहा है कोई कोई कॉइन ऐसा भी आ रहा है जो लिस्ट होते ही 90% डाउन, तो अगर कोई भी डाउन हो जाता है तो लोग उस यूट्यूबर के पीछे पड़ जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर कोशिश मेरी ये रहनी है कि अगर आप, मैं आपको ऑलरेडी बता दूंगा भाई, यहाँ पर अपनी खुद की रिसर्च करें बस आप समझ जाना, तो हर कॉइन क्या है कि आपको प्रॉफिट नहीं दे सकता, लेकिन जो मीम कॉइन है जो इस तरह के जो सोल कॉइन के ऊपर आ रहे हैं, सोल ब्लॉकचेन के ऊपर आ रहे हैं, वो पंप भी बहुत अच्छे खासे हो रहे हैं। तो ऐसे कॉइन्स को भी यहाँ पर हमें मिस नहीं करना है। तो आने वाले टाइम के अंदर एयर ड्रॉप प्लस आपका रिस्की कॉइन्स के ऊपर भी मेरा फोकस रहेगा। अभी मैं बात करता हूँ यहाँ पर यूएस लिंक की। यूएस लिंक के बारे में मैं ऑलरेडी यहाँ पर ट्वीट कर चुका हूँ। इसके ऊपर जाके आप अपना एयर ड्रॉप बुक कर सकते हो, यहाँ पर नेटवर्क बना सकते हो, करना कुछ नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, कुछ नहीं करना। एक चीज और, एयर ड्रॉप के लिए प्लस में क्या है कि जहां भी ऐसे आपको पार्टिसिपेट करना है उसके लिए अलग मेटामास्क सेटअप कर लो, ट्रस्ट वॉलेट अलग सेटअप कर लो, और उसके अंदर फंड मत रखो। फंड रखना है 10-20-50 डॉलर रखो, उसको बिल्कुल सेपरेट रखो, क्योंकि एयर ड्रॉप वाली चीजें कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे स्कैम एयर ड्रॉप भी आती हैं, बहुत कुछ आता है, तो आपका किसी भी तरह से किसी आपके पोर्टफोलियो के ऊपर इंपैक्ट ना हो। हर चीज सेपरेट रखो, एयर ड्रॉप वाली चीज सेपरेट रखो, मेन वॉलेट अलग रखो। क्लियर कट आपको बता रहा हूं, इसीलिए मैं पहले बता रहा हूं क्योंकि जब वीडियो आएगी तो फोकस रहेगा सबका। यहां पर मैं ऑलरेडी लिंक दे चुका हूं, ये आपकी क्या है, इस लिंक के ऊपर जाना है, इसको मेटामास्क के ऊपर आपको कॉपी पेस्ट कर देना है, नीचे टोकन होगा उसको यहां पर फॉलो कर लेना है ट्विटर या टेलीग्राम, और उसके बाद में आपको एयर ड्रॉप मिल जाएगी। और ये एयर ड्रॉप जिस कॉइन की है वो कॉइन की प्रोफाइल आप यहां पर देख सकते हो, 2023 मार्च 2023 का इनका यहां पर इन्होंने ट्विटर के ऊपर ये आए हैं, 476.9 के इनके ऑलरेडी फॉलोवर हैं, येलो टिक यहां पर आपको दिख जाएगी, इनकी पूरी एक्टिविटी आप जाके ट्रैक कर सकते हो। आने वाले टाइम के अंदर बहुत बड़े लेवल के ऊपर मेरा फोकस एयर ड्रॉप के ऊपर, यहां पर मीम टोकन्स के ऊपर जो कॉइन ट्रेंड बेस होंगे चाहे वो रिस्की सही उनके ऊपर रहने वाला है, क्योंकि हम अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग फंडामेंटल कॉइन्स को लेकर पड़े हुए हैं और उनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, और एक अच्छी खासी राइड जो अच्छा खासा प्रॉफिट बना है वो आज के टाइम में क्या कि लोगों ने मीम कॉइन्स के अंदर बनाया है, प्लस में क्या कि लो कैप कॉइन्स के अंदर बनाया है, जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है उनके अंदर बहुत कुछ यहाँ पर नहीं हुआ है। तो
ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलो, ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।